ओम शांति, ओम शांति। संगम युग सारे कल्प में बहुत सुहाना युग है। संगम युग जैसा अन्य कोई युग नहीं। सतयुग के लिए भी कहेंगे गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, द्वापर कॉपर एज, कलयुग आयरन एज, लेकिन संगम युग को डायमंड एज कहते हैं। डायमंड बनाने वाला भी हमारा शिव बाबा और आत्मा भी डायमंड बनने वाली, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने वाली, लोहे से पवित्र शुद्ध आत्मा बनने वाली। तो ऐसे पारसनाथ शिव बाबा इस धरा पर संगम युग पर ही आते हैं और आते हैं हम सब आत्माओं को कल पहले जैसे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, तो ऐसा संपन्न और संपूर्ण बनाने आते हैं। हर गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसके लिए हमेशा बाबा ने बोला सी फादर सी मदर, कभी सिस्टर ब्रदर को फॉलो नहीं करना, क्योंकि जो कमियां उनके अंदर होगी वो कमी फॉलो करने वाले के अंदर भी आ जाएगी। अच्छाई तो आएगी लेकिन अच्छाई के साथ कमियां भी आ जाएंगी। शिव बाबा के अंदर तो कोई कमी है नहीं, वो आते ही हैं हम बच्चों के सारी कमियों को दूर करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी खामियां निकालते जाओ, सर्व गुणों से संपन्न बनते जाओ। ये बाप दादा की हम बच्चों के प्रति महावाक्य जो मधुर निकलते हैं, जिसको धारण करके ही हम सभी मधुर यानी मीठे बन जाते हैं। रोज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सिकिलद्धे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो बाबा की बच्चों में बहुत सी उम्मीदें हैं कि मेरे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने और जल्दी जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाबा को आए हुए धरती पर इतने वर्ष पूरे हो गए और विशेष करके जब जनवरी मास आता है तो बाबा की याद स्वतः सताने लगती है। बाबा की याद भूलती नहीं है पर याद आती है। जनवरी मास याद सताती है और पूरी लाइफ की बाबा के साथ बिताए हुए वो प्यारे प्यारे दिन जो साकार में बाबा के साथ बिताए, एक एक बात, एक एक दिन के नज़ारे नज़रों के सामने आते जाते हैं और दिल दर्पण में वो सब छपते हुए सारी रील सामने आ जाती है। बाबा की याद आती है तो बाबा ने जो जो पाठ पढ़ाए, बाबा कहते बच्चे एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये एक बल एक भरोसे वाला बाबा को अपनी लाइफ न्योछावर कर देता, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहा गया कि जब आप आएंगे हम आपके ऊपर बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे। और बाप दादा जब आते हैं तो उसका मुझे अच्छे से एक अनुभव है कि जब पहले पहले बाबा की पहचान मिली और बाबा ने ही वतन से निमंत्रण दिया कि मैं इस धरा पर आ चुका हूँ
और आप सभी मेरे से मिलने आ सकते हो, और कानपुर में आना है मिलने के लिए, तो उसमें इतनी जो एक लगन थी, जिसको कहते हैं लगन में मंगन, लव में लवलीन, तो उस स्थिति से तो लगन में मंगन रहने वाले का विघ्न भी समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे विघ्न थे समाज के, अन्य लोगों के, कि नया ज्ञान था, नई बातें थी, तब इतने हमारे सेवा केंद्र नहीं थे, गांव वाले तो वैसे भी संकुचित बुद्धि वाले होते, तो वो सब कैसे गांव में विघ्न डालते। लेकिन बाबा की याद में, बाबा की लगन में हम लोग रात्रि को 35 किलोमीटर चल करके बाबा के पास कानपुर पहुंच गए, और बाबा ने ही बताया था कि मैं आ रहा हूं और कहाँ रुकूंगा, कहाँ पर मेरे तुम बच्चे आके मिल सकते हो, अपनी फुल एड्रेस बाबा ने वतन से बता दिया। सबसे तो वंडरफुल बात यही है कि बाबा ने डायरेक्ट हम सबको चुन लिया, पूरे परिवार को, और चुनने के बाद अपने पास बुला भी लिया। तो जब हम लोग रात को निकले हैं कि कोई विघ्न ना पड़े हमारे पहुंचने में, तो उसमें जंगल भी आया, बाग भी आया, खेत भी आया, जिन खेतों से जंगलों से पार करते हुए, चाहे वो भूतों की बगिया थी या शेरों का जंगल था, चीते वगैरह रहते थे, चलते चले आए अंधेरी रात टार्च की रोशनी में। जनवरी मास था इसलिए और बाबा की याद जनवरी मास में आ जाती है कि किस प्रकार आ करके बाबा से मिले। तो एक बल एक भरोसे, जिसको कहते हैं कि निर्भय होकर के, तो निर्भयता क्या होती है वो अनुभव किया, और एक बल एक भरोसा क्या होता है जिसमें चलते गए और बाबा के पास पहुंच गए, और एक लगन में मंगन, कुछ भी संकल्प नहीं आया कि क्या हम निकल पड़े हैं तो कोई हमें बगिया के भूत पकड़ेंगे, जंगल के जानवर ना मेरे सामने आ जाएं हिंसक, जंग चलते चलते मेरे घास फूस में सांप ना पैरों के नीचे आ जाए, तो इस तरह से कोई भी संकल्प नहीं चला, जिसको बाबा कहते हैं निरसंकल्प। तो निरसंकल्प बुद्धि, बस एक ही संकल्प था कि मिलना है तो बाबा से मिलना है, मिलने जा रहे हैं। और वो बाप जिन्होंने हमको निमंत्रण दिया डायरेक्ट भगवान ने, सर्वशक्तिवान ने, कि आओ बच्चे मिलो मेरे से आकर के, तो ये अनुभव की बात है। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे जब तुम निर्भय बनेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे, और दृढ़ता में मेरा तो एक बाबा है, सब कुछ बाबा पे समर्पित कर देंगे, तो शीघ्र ही तुम बच्चे बाप के समान बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते बच्चे सी फादर, तो बाबा को ही फॉलो करना है, मम्मा को फॉलो करना है, बाबा ने कैसे कैसे बच्चों को पाला, बाबा के अंदर कोई भी ऊंच नीच, गरीब अमीर, कोई पढ़ा है अनपढ़ा है, साधारण है, ये कभी बाबा मम्मा के मन में नहीं आया। बाबा ने हमेशा हर एक को रूह के रूप में देखा, आत्मा के रूप में देखा, बाह्य रूप में तो देखा ही नहीं, शारीरिक रूप से देखा नहीं, काला है कि गोरा है कैसा है, नहीं, जो भी है जैसे है, बाबा कहते तुम मेरे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो इससे लगता बाबा प्यार का सागर है, हर एक को प्यार से भरपूर कर देता, और हर बच्चे को सम्मान देते थे बाबा। तो मम्मा और बाबा दोनों बच्चों को सम्मान दे दे करके उनको सम्माननीय बना दिया। बाबा मम्मा कैसे बच्चों की पालना करते थे, और बाबा अपनी बहुत सारी उम्मीदें रखते थे कि ये मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे,
बाबा को एक दुनिया वालों के सामने लाएंगे तो बाबा को हर एक बच्चे में उम्मीद होती थी। अगर कोई किसान है तो बाबा कहते बच्चे तुम डबल किसान बनो, आप बीज तो बोते हैं लेकिन कर्मों की खेती के अच्छे अच्छे बीज बो। यदि कोई डॉक्टर है तो बाबा कहते बच्चे डबल डॉक्टर बनो, शरीर के डॉक्टर हो, आत्मा के डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर बनो, जिस्मानी डॉक्टर तो हो ही। इस तरह से कोई एजुकेशन वाला है तो बाबा कहते बच्चे राज विद्या तो पढ़ते पढ़ाते हो लेकिन ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा, इसको भी पढ़ाओ। यदि कुमारी बाबा के सामने आई तो बाबा बहुत खुश होते थे, चलो बच्ची अच्छा हुआ तुम गिरने से बच गई, कीचड़ में जाने से बच गई, तुम तो हो ही पवित्र फूल और कैसे तुम्हारे द्वारा बाबा का कार्य चलेगा। तो बाबा बहुत खुश होते थे और खुशी में उमंग में ला कर के सबके अंदर खुशियाँ भर देते थे। इस प्रकार से बाबा ने हर एक को आगे बढ़ाया, जो जैसा था वैसा बाबा ने उसको चलाया। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे देखना है सीखना है तो प्रकृति से भी सीख सकते हो। जैसे दत्तात्रेय के लिए कहते उनके 24 गुरु थे, बाबा कहते हर एक से सीख सकते हो। अगर फूलों को देखना है तो सिर्फ 3 फूलों को देखो, एक कमल का फूल जो कीचड़ में रह के भी न्यारा रहता है, तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी न्यारे रहो, और दूसरा खुशबूदार जो है अच्छे पवित्र बनो, किसी के प्रभाव में नहीं आओ, ना पानी ना कीचड़ कुछ भी नहीं, तो कमल समान जीवन बनाओ, कोमल नहीं बनाओ, कमल समान बनाओ, पवित्र बनाओ, योगी बनो। दूसरा बाबा कहते बच्चे मुझे चैतन्य फूल चाहिए, मुझे जड़ फूल नहीं चाहिए, और फूल भी कौन से, रोहे गुलाब, रूहानी गुलाब। तो गुलाब बाबा बोलते बच्चे देखो उसके अंदर कांटे हैं, कांटों के बीच में रह करके भी खिला हुआ है, तो ये दुनिया कांटों भरी है, इस कांटों की दुनिया में रह करके भी तुमको ऐसा खुशबूदार रूहे गुलाब बनना है। और तीसरा बाबा कहते बच्चे सूरजमुखी का फूल है, सनफ्लावर, वो सुबह से लेके रात तक वो हमेशा उसका जो मुखड़ा होता है वो सूर्य की तरफ होता है, ऑटोमेटिक घूमता रहता है सूर्य के साथ साथ, तो उनका जो सागर कहें संसार है वो सूरज है। तो सूरजमुखी फूल की तरह तुम ब्राह्मण बच्चों का भी मुख सूर्य बाबा के सामने, ज्ञान सूर्य के सामने होना चाहिए, तो बाबा ज्ञान सूर्य जो है वो तुम्हारे अंदर वो इतनी खुशबू भर देंगे, इतनी रोशनी देंगे कि जब बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं तो किसी की कमियां भी नज़र नहीं आएंगी। दूसरा मुझे अनुभव है कि बाबा हमेशा बैलेंस सिखाते थे कि बच्चे बैलेंस में रहो। जैसे एक बार बाबा ने क्लास में बोला मेरे बच्चों को देह अभिमान बहुत है, अगर मेरे बच्चों में देह अभिमान नहीं है तो हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ रही थी, बच्चे जाके पत्थर तोड़ें, रोड़ी तोड़ें, गिट्टी तैयार करें, समझो देह अभिमान को तोड़ें। तो मैं बहुत खुशी से उठ के क्लास के बाद गई और पत्थर को तोड़ना शुरू किया हैमर लेके। बाबा पीछे से पहुंच गए, बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रही हो। मैंने बोला बाबा आपने तो बोला ना कि अगर तोड़ेंगे तो मैं समझूंगा देह अभिमान नहीं है, तो मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। बाबा ने बहुत ऑफिशियल रूप से कहा कि बच्ची पत्थर तोड़ने से अगर देह अभिमान टूट जाए तो ये जो भील लोग दिन भर पत्थर तोड़ते ये पहले देह अभिमानी बन जाए। नहीं, पहले सोमान में टिको, सोमान में टिक करके फिर उसके बाद में तुम कोई भी कार्य करो तब तुम्हारा वो कार्य सफल होगा और जीवन में धारणाएं आएंगी। तो बैलेंस रखो,
केवल योग करना नहीं, कर्म योगी बनना है। केवल कर्म नहीं लेकिन कर्मों में योग रखना है। तो सदा सम्मान में अपने आप को टिकाओ, फिर कर्म करो। और बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी कल के ऊपर कोई कार्य नहीं छोड़ो। कल करे सो आज, आज करे सो अब। कल का दिन काल का दिन होता है। तो बाप दादा ने ऐसे ऐसे जो टिप्स सिखाए कि इससे तुम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे और जल्दी बनेंगे। जैसे हमारे सामने मुझे याद है, हमारी बड़ी दीदी की माँ क्वीन मदर थी। वो कुछ भी नहीं भाषण कर सकती थी, कोर्स नहीं करा सकती थी, लेकिन हर आत्मा के अंदर फोर्स भरती थी। उनके उत्थान की बातें सुनाती थी। वो बाबा के रूम के सामने बैठी रहती थी कुर्सी डाल के। कोई भी उधर से निकले, उसको जानती हैं नहीं जानती हैं, पहचानती हैं नहीं, कोई उससे मतलब नहीं। जो पास हुआ उनकी नज़रों के सामने से, तो कहती थी, आओ मिठरी इधर आओ, मेरे सामने आओ, देखो तुम्हें जीवन में सफलता पानी है। तो कौन कहेगा कि मुझे सफल नहीं बनना है, मुझे सक्सेस नहीं होना है। तो कहती थी, तीन बातें याद रखो जीवन के अंदर। एक तो झुक झुक, दूसरा मरमर और तीसरा सिख सिख। मना हमेशा झुकना सीखो। और जिनके अंदर विशेषता होती है, फलदार वृक्ष वही झुकता है। तो तुम्हें झुकना सीखना है, अकड़ के नहीं चलना, अकड़ के बात नहीं करना, कभी मन में दे अभिमान की बातें ना आए। और दूसरा मरमर, बाबा भी कहते बच्चे जीते जी तुमको मरना है। मरने से क्या होता है, पुरानी दुनिया, पुराना देह, पुराने संबंध सब भूल जाते हैं। तो जीते जी मरना है और बाप का बनना है। कभी कभी कोई कहते ना कि हम ही झुकें, हम ही मरें, हम ही कुछ करें, हम ही सहन करें, हम ही कोई सब कुछ कहा जाता है। तो कहती थी, हाँ हम ही मरें, हम ही परिवर्तन करें। तो जब परिवर्तन करेंगे तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे, रियलाइज़ करेंगे, तब राइज कर सकेंगे। तो परिवर्तन शक्ति हमको संपूर्ण बनाती है, परिवर्तन शक्ति हमको संपूर्ण के साथ संपन्न बना देती है। इसलिए परिवर्तन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और तीसरा कहती थी, सिख सिख, कभी भी मन में ये ना आए कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ आता है। नहीं, पूरी लाइफ सीखना ही है। तो सिख सिख तो तुम सीख जाएंगे, एक एक से गुण उठाते संपूर्ण बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे। बाप दादा की यही आस है। और जनवरी मास में भी बाबा, देखो अंत समय में भी जब अव्यक्त हुए, तो वो दिन भी शनिवार का दिन था और तिथि के हिसाब से मौनी अमावस्या थी और मास भी सर्दी जनवरी का था, जो एक नया साल होता है। तो यूँ कहें कि गीता का 18 अध्याय तो बाबा ने पूरा ही कर दिया 18 जनवरी। तो कहते जब 18 अध्याय पूरा किया तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा अर्जुन को दिखाते हैं। और मौनी अमावस्या मना मौन धारण करना, अंतर्मुखी बन जाना। तो बाबा भी इस दुनिया से अंतर्मुखी साकार से बन गए, मौन हो गए। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी बड़ा गुह्य रहस्य भरा हुआ है कि बाबा ने जाते जाते भी साकार में हम बच्चों को यही पाठ पढ़ा के गए कि बच्चे तुम्हें संपूर्ण बनना है तो मौन धारण करना है, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है और साथ साथ अंतर्मुखी बनना है। तो जब अंतर्मुखी बनेंगे तो बाह्यमुखी नहीं होंगे, तेरी मेरी में नहीं आएंगे, इधर उधर की कमियां नहीं देखेंगे। अंतर्मुखी होंगे, अपने अंदर की कमियां देखेंगे, उसको सुधारेंगे। तो इसी प्रकार से बाबा को बच्चों के लिए बहुत उम्मीदें थी। कई ना उम्मीदवारों को बाबा ने उम्मीदवार बनाया, उनके अंदर बहुत सारी बातें भरी, शक्ति भर दी। और साथ साथ मेरे को तो देखा अनुभव है कि बाबा ने एक बारी हमारा छोटा भाई शिव कुमार, जो दिल्ली पांडव भवन में है,
उसको बाबा ने कहा, बच्चे बाग को ध्यान से रखना, संभालना। बाबा की कुटिया में कुछ पौधे लगे थे, फल लगे थे, जैसे आड़ू अंजीर। तो दिन के टाइम बंदरों की पूरी टोली आई और बंदरों ने सारे फल तोड़ के खा लिए। तो उसने बाबा को जाके बताया कि बाबा बंदर फल खा गए। तो बाबा ने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया, कहा देखो बंदर क्या मार्केट से फल खाने जाएंगे, तो यहाँ से खा गए, कोई हर्जा नहीं, वो भी तो इसी पेड़ से खाएंगे। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि तुमने भगाया नहीं या तुमने उनको पत्थर नहीं मारा, तुम्हारे होते बंदर कैसे खा गए, नहीं ऐसा नहीं। हर बात का बाबा ने पॉजिटिव ले करके और हरे के अंदर उमंग और उत्साह भर दिया, इतना भर दिया कि आगे के लिए भी हिम्मत आ गई। बाबा हर बात में उमंग उत्साह भरते थे, कमी नहीं देखते थे। जैसे एक बार उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया, तो बाबा ने बुलाया, बच्चू इधर आओ, कैसे टूटा? तो बोला, बाबा अभी बताता हूँ कैसे टूटा। तो वो भोलेपन में दूसरा गिलास लाया और गिरा के दिखा दिया, कहा बाबा ऐसे ही टूटा है। दूसरा कोई होता, लौकिक में होते, तो माँ बाप डांटते, एक आध हाथ भी लगा देते कि एक तो तोड़ा था, दूसरा भी तोड़ दिया। बाबा ने उसका भी पॉजिटिव लिया, एकदम उत्साह भर दिया उसके अंदर कि देखो ये बच्चा कितना प्रैक्टिकल है, देखो करके दिखाते हैं, बताने वाला नहीं है, करके दिखाने वाला है, तो करके दिखाया है। इसी प्रकार से बाबा ने हर एक के अंदर क्रेज भरा, किसी की कमियां नहीं देखी, जबकि बाबा तो आए ही संपूर्ण बनाने के लिए। तो हर आत्मा में कमी तो है ही, कलयुग के अंदर 84 जन्म लेते लेते कमियों में आ गए। ऐसे ही मेरे जीवन का एक अनुभव है, जब मैं इस यज्ञ में आई, छोटी थी, इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना होशियार समझदार नहीं थी, तो एक एक कहता था बाबा ने इसको क्यों ले लिया, इतनी छोटी को ये क्या करेगी, किस लिए ले लिया। तो बाबा तो भृगु ऋषि कहो, त्रिकालदर्शी कहो, जानी जाननहार कहो, उसको सब पता था भाग्य भविष्य का। तो बाबा कहने, बच्ची बहुत अच्छी सेवा करेगी। किसी किसी ने तो डायरेक्ट बाबा को बोला, बाबा आपने इसको क्यों ले लिया। एक बहन ने कहा, बाबा मुझे हैंड्स दे दो। बाबा बोला, इस बच्ची को ले जाओ। तो उसने कहा, बाबा हम इसको क्या करेंगे, किसी काम की है भी ये, हम इसको नहीं देंगे, हमको तो बाबा ऐसा तो जो मेरा सेंटर संभाले। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये तेरा सेंटर संभाल के दिखाएगी, और तुम इसको ले तो जाओ, बाबा कहता है। लेकिन बहन ने बाबा का कहना नहीं माना, कहा बाबा मैं बिल्कुल नहीं लूँगी इस बहन को। और बाबा कहे कि बच्ची बहुत अच्छा सेंटर संभालेगी, तुम लेके जाओ। तो वो बहन ने जो सामने सामने मेरे बोला, तो उसके बोलने का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा। मुझे ये निश्चय था कि बाबा जो बोल रहे हैं वो निश्चय होना है, आज नहीं तो कल। पर कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई, कभी किसी के कहने का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे निश्चय था कि भगवान बनाने आया है तो ज़रूर है वो पत्थर को पारस बनाएगा, और मूर्तियाँ बनाने आया है तो चैतन्य में बनाएगा। तो इसीलिए मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि ये क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा की उम्मीदों पर ही हमें पूरा भरोसा था कि भगवान ने मेरे पे उम्मीद रखी है। तो बाबा कहते थे, बच्चे कभी भी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, कभी हताश नहीं होना, और निर्भय बन करके चलते चलना। तो बाबा की जो सीख रही है, वो सीख ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। हमेशा बाबा कहते थे, बच्चे कभी भी ये ना सोचो कि कोई मुझे दे तो मैं दूँ, ये सौदा नहीं करना, मुझे देना है। निराशा में भी आशा भरनी है। तो जो बाबा ने सिखाया वो मेरे लिए वरदान हो गया। ऐसे एक दिन बाबा ने पूछा
बच्ची तुमको कुछ आता है, सब कुछ आता है। मैंने कह दिया जी बाबा। अब हमारी छोटी बुद्धि थी, छोटी आयु थी, जितना आता था उतने में कह दिया मुझे बाबा सब कुछ आता है। तो बाबा के मुख से निकला तथास्तु। तो बाबा ने सिखा सिखा करके, मम्मा ने सिखा के इस लायक कर दिया कि बाबा की यज्ञ में कोई भी कार्य रुका नहीं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे फील्ड का हो या सेंटर का हो। तो हर कार्य करने में बाबा ने जो है इंडिपेंडेंट बना दिया और इतना अनुभवी बना दिया कि कहीं कोई काम में रुकावट नहीं आई। तो इसी तरह देखते हैं कि बाबा कैसे स्नेह का सागर है, सर्वशक्तिमान है, शक्तियाँ भरने वाला है। बस बाबा पे बल और भरोसा रखना है। हम कहते तो हैं मेरा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो इसी तरह से अगर ये मंत्र हमारे मन के अंदर है, और फिर बाबा कहते बच्चे जो त्याग किया है इसका भी वर्णन नहीं करो, त्याग का भी त्याग कर दो तब भाग्य बनेगा, नहीं तो त्याग से जो भाग्य बना वो खत्म हो जाएगा। बाबा और मम्मा किस तरह बच्चों के अंदर हौप भरते थे, किस तरह उनको उम्मीदवार बनाते थे, और कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को बाबा ने आज इतना लायक बना दिया। हमेशा बाबा कहते थे निर्विघ्न बनो, कभी कोई तुम्हारे सामने करने सामना भी आए तो तुम उसको उस नज़र से नहीं देखो, उसमें भी अपनी नज़र चेंज कर लो, उसके प्रति शुभ भावना रखो। और जैसे बाबा का प्रैक्टिकल मिसाल है कि बाबा एक बार बता रहे थे कि एक आया मेरे सामने और उसका उद्देश्य था कि बाबा को ही ख़त्म करें, और बाबा योग में बैठा हुआ, बाबा ने कहा बुलाओ बच्चे को, उसको भी बच्चा कहा, तो बच्चा कहने से देखिए उसको दृष्टि वृत्ति चेंज हो गई और उसको साक्षात्कार भी बाबा से हुआ, चरणों में गिर के माफ़ी मांगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे बच्चे दो बात याद रखो, एक माफ़ कर देना है और एक माफ़ी मांग लेना है। तो कभी भी हमारे अंदर वो संकल्प नहीं चलेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, किसी की कमियों को ना देख करके, कमजोरियों को ना देख करके, कमी कमजोरी को भरने का रखेंगे, अपने अंदर गुणों को धारण करेंगे। तो इसलिए बाप को ही अपना लक्ष्य बनाना है। और दूसरा, हम यज्ञ में आए किस लिए हैं? हम जब आए थे तो इतनी सारी बातें हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 हम एक दूसरे की कमी देखने लगे, एक दूसरे की निंदा करने लगे, एक दूसरे की बातें सुनने लगे, तो उसके अंदर जो बाबा की विशेषताएं थी वो लुप्त होती गई, छिप गई। लेकिन बहुत समय हो चुका, अब बाबा कहता बच्चे अंत का समय है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो वही महामंत्र जैसे गीता में फर्स्ट है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, और लास्ट भी है अपने को आत्मा निश्चय करो, नष्टो मोहा बनो, स्मृति लब्धा बनो। तो जब हमें यह मंत्र याद रहेगा कि हमें स्मृति लब्धा बनना है, नष्टो मोहा बनना है, तो देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, वैभव से, सब से नष्टो मोहा बनना है। बस एक बाबा की याद, दूसरा किसी की याद नहीं, उसी में खोए रहना, उसी में समाये रहना। और बाबा की मदद मिलती कैसे है, मेरे अनुभव है मेरा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक उसे कार से, तो यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते थे ना उम्मीद है, ठीक नहीं होंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि बाबा के बच्चे हैं, और बाबा कहता है कि तुम एक बार तो कह के देखो बाबा आ जाओ, बाबा सामने आ जाएगा, बाबा सुनेगा। तो मैं भी यही कहती थी बाबा आप देखो, आप रूहानी सर्जन हैं, आपको मेरे से सेवा लेनी है तो आप ठीक कर देंगे। तो मैं फरियाद नहीं करती थी, मैं याद करती थी कि बाबा सर्जनों के सर्जन तो आप हैं और मैं आपकी बच्ची हूँ, आप जैसा समझें वैसा मेरे साथ करेंगे। तो बाबा ने मुझे एकदम ठीक कर दिया। तो एक बल, एक भरोसा, निश्चय,
जहाँ निश्चय है वहाँ हम निश्चिंत हैं, और निश्चित है कि हमें बनना है तो बनेंगे। पर अब हमारा जो है 2020 जा रहा है, अब तो 2021 आने वाला है, दोनों का संगम है। क्योंकि मम्मा ने एक पाठ पढ़ाया था कि 4-5 बातें तुम याद रखना छोटेपन में, कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, कौन बैठा है, कौन चल रहा है और कौन खड़ा है। तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। मम्मा ने कहा देखो कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है और संगम युग चल रहा है, विनाश सामने खड़ा है और कोई भी बात हो तो बाबा बैठा है। तुम चिंता फिक्र नहीं करना, बाबा बैठा है, सब ठीक कर देगा। तो जब ये 5 बातें अगर मेरी स्मृति में है तो निश्चित है कि हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, किसी के प्रभाव में नहीं आएगी, प्रभावित नहीं होगी, जो बाबा ने बताया उसी प्रभाव में रहेगी। तो दूसरे का स्वभाव अपने आप ख़त्म होगा, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें स्वतः मिट जाएंगी। तो एक मूल मंत्र है कि हमको तो संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है और बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनना है। तो इन्हीं बातों को जनवरी मास में हम ध्यान में रखें, नई शुरुआत करें। तो निश्चित है कि हमारा ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाएगा। स्वपरिवर्तन से और अनुभवी बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे, सबकी कमियां दूर होंगी। ओम शांति।